हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर ट्रेडिंग के बारे में कि पेपर ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, हम पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स को भी देखेंगे जिनका यूज करके हम रियल मार्केट में वर्चुअल मनी से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में कि पेपर ट्रेडिंग होती क्या है। तो दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग का यूज हम पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रेटजी की विन रेट का पता लगाने के लिए करते हैं कि उस स्ट्रेटजी पर कितनी बार हमारा टारगेट हिट हुआ है और कितनी बार हमारा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर वहाँ पर हमारा टारगेट ज़्यादा बार हिट हो रहा है तो उस स्ट्रेटजी का यूज फिर हम रियल मनी से कर सकते हैं और वहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि पेपर पर ट्रेड करते हैं, और जब अपनी रियल मनी से ट्रेड करते हैं, वहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि हम पेपर पर ट्रेड करते हैं, यानी हमने यहाँ पर किसी भी स्ट्रेटजी पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट या लॉस दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम अपनी रियल मनी से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है वहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है। तो दोनों में हमारे इमोशन अलग होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी रियल मनी से ट्रेड करते हैं वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है तो इमोशन अलग होते हैं, और जब हम पेपर पर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारे इमोशन अलग होते हैं। इसी के लिए हम कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे जिन वेबसाइट्स का यूज करके हम रियल मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यानी कि दोस्तों, उन वेबसाइट का यूज करके हम रियल मार्केट में, यानी कि लाइव मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। बस अंतर इतना होगा कि वहाँ पर जो रुपए होंगे वो वर्चुअल रुपए होंगे, वहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई देगा लेकिन आपका लॉस रियल मनी का नहीं होगा। जो हमारे लिए वेबसाइट्स की ओर से रुपए मिलेंगे उन्हीं रुपए में हम ट्रेड कर सकते हैं। लॉस होगा तो उन्हीं रुपए का होगा और प्रॉफिट होगा वहाँ पर तो उन्हीं रुपए का होगा। तो उनका यूज करके हम अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी का भी पता कर सकते हैं कि उस स्ट्रेटजी पर कितनी बार हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितनी बार हमारा लॉस हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं टॉप वेबसाइट्स को, टॉप कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लाइव मार्केट और पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली वेबसाइट है गूगल पर आएंगे। गूगल पर आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे न्यू स्टॉक्स। आप गूगल पे आके न्यू स्टॉक्स को सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, न्यू स्टॉक वर्चुअल स्टॉक सिमुलेटर। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट गूगल पे जाके वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साइन कर लेता हूँ क्योंकि पहले से मेरा इस पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपनी गूगल के थ्रू इसको साइन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप न्यू स्टॉक्स की वेबसाइट पर अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर ट्रेड पैनल दिखाई देगा। यहाँ से आप स्टॉक्स को सर्च कर सकते हो, जिस भी स्टॉक्स में आपके लिए इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना है, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड लेना है, उस स्टॉक्स को आप यहाँ से सर्च करोगे और उसको आप बाय सेल कर सकते हो। अब बाय सेल कैसे करते हैं उसके ऊपर भी न्यू स्टॉक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि न्यू स्टॉक्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, बाय सेल कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो पहली वेबसाइट तो है न्यू स्टॉक्स, जिसके थ्रू हम लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको क्रॉस करता हूं और हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट्स की ओर। तो दूसरी वेबसाइट्स है moneybhai.com। moneybhai भी एक वर्चुअल मनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लाइव मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं गलत डाल रहा हूँ यहाँ पर। MoneyBhai पे आएंगे। MoneyBhai पर आने के बाद यहाँ पर भी आपके लिए अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके लिए भाई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपके लिए ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं न्यू स्टॉक्स पर मिलते हैं। यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग पैनल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो दोस्तों, जैसे हम मनी भाई की वेबसाइट पर आएंगे आप देखोगे हमारे सामने इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपके लिए पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल करना है तो आप ट्रांजैक्ट में आओगे। ट्रांजैक्ट में आने के बाद आपके लिए यहाँ पर स्टॉक्स में आना है। स्टॉक्स में आओगे, स्टॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ के लिए यहाँ पर स्टॉक्स सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। पहले हमारे लिए इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी मनी भाई की वेबसाइट पर लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद हमारे लिए यहाँ पर ट्रांजैक्ट में आना है। ट्रांजैक्ट में आने के बाद आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है स्टॉक्स पर। आप स्टॉक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ से सर्च कर लोगे कौन से स्टॉक्स में आपके लिए ट्रेड लेना है। जैसे मैं यहाँ पर TCS सर्च करूँगा तो TCS की जो करंट प्राइस चल रही होगी वो आपके लिए यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारी दूसरी वेबसाइट थी जिसके थ्रू हम रियल मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। अगली वेबसाइट देखते हैं।
अगली वेबसाइट है tradingview.com। तो जो आपके लिए पहली लिंक दिखाई देगी उसी पर क्लिक करना है और हम TradingView की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ आपके लिए, लो आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा जैसे आप TradingView की वेबसाइट को ओपन करोगे। तो यहाँ पर हमारे लिए क्लिक करना है स्टॉक्स पे। आप यहाँ पर देखोगे इसका चार्ट ओपन गया, तो मैं इस चार्ट को कर लेता हूँ फुल चार्ट पे क्लिक। यहाँ पर क्लिक करना है आपके लिए सी मोर ऑन एडवांस चार्ट। तो आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से लेके आ जाएगा ये नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही यहाँ पर TradingView का चार्ट ओपन होगा, जैसे दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो चार्ट है वो टाटा स्टील का चार्ट है। अब यहाँ पर आपके लिए पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाओगे। ऊपर खिसकाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है पेपर ट्रेडिंग का। हमारे लिए पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे लिए क्लिक करना है पेपर ट्रेडिंग का, तो हम पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो अकाउंट में 10,000 यहाँ पर डॉलर मिलते हैं। इन 10,000 डॉलर से हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमारा किस में होगा, डॉलर में होगा। तो डॉलर को आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर ये एन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर अगर शॉर्ट के लिए स्टॉक्स को सेल करेंगे, यहाँ पर लाइव मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ से अगर हमारे लिए बाय करना है तो इसको हम बाय कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए सेल करना है तो हम सेल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, तो कितनी क्वांटिटी सेल करनी, किस प्राइस पे सेल करनी, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी 100 कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको सेल। ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर आएंगे आप तो आप यहाँ से देख सकते हो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे हमने इस ट्रेड को सेल किया है, जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप यहाँ से इसको प्रॉफिट को भी देख सकते हो। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में तीन वेबसाइट्स को देखी जिनका यूज करके हम लाइव मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। पहली वेबसाइट थी न्यू स्टॉक्स जिस पर अकाउंट क्रिएट किया, आप उस पर भी लाइव मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हो। दूसरी थी मनी भाई पर भी आप लाइव मार्केट में वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हो। और तीसरी है ट्रेडिंग व्यू पर आपके लिए यहाँ पर डॉलर मिलते हैं, तो उन डॉलर में आप ट्रेड कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे हमारा प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वहाँ पर हमारा प्रॉफिट होता जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।